अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैम खुश है फॉल। आज मैं बनाने लगी हूँ मैगी पिज़्ज़ा कप्स। सही है, बहुत आसान है बनाना। तो मैगी पसंद है ना तो बस वीडियो को पूरा देख लें और फिर वीडियो ख़त्म होते ही बनाना शुरू कर दें, और अगर पिज़्ज़ा पसंद है तो भी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बस इससे पहले अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो चलें शुरू करते हैं बनाना इसको। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन में लेना है पानी। 2 कप पानी लिया मैंने, क्योंकि मैं ले रही हूँ 2 कप नूडल्स। जैसे पानी थोड़ा सा गर्म हो गया था फिर मैं नूडल्स डाल दिए थे इसमें, और जैसे नॉर्मल बनाते हैं ना मैगी वैसे बनाने हैं। और फिर इसमें टेस्ट मेकर भी साथ ही मैंने डाल दिए थे, दोनों पैकेट। आप अपने पसंद का ना कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से चिकन फ्लेवर ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता नहीं है, कोई खट्टा या कुछ भी, तो वो सही रहेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। और क्या करना है कि पकाना इस तरह है कि अगर आपको सूपी मैगी पसंद है तो भी आपने इनको ड्राई बनाना है। मुझे भी सूपी पसंद है लेकिन ड्राई ही बनाना है, क्योंकि इसमें पानी रहेगा ना तो बनेंगे नहीं हमारे मैगी कप्स अच्छे से। तो अच्छे से पानी इसका ड्राई कर लेना है जितना हो सके, और उसके बाद फिर खा के थोड़े से टेस्ट कर रहे थे मैंने बस ऐसे ही। तो उसके बाद इनको क्या करना है, चूल्हे से उतार लेना है। पहला स्टेप तैयार, मैगी तैयार हो गई। अब सब्जियाँ चाहिए, सही है। उसके लिए मैंने लिया सबसे पहले शिमला मिर्च, एक या आधी ली थी मैंने शिमला मिर्च, और उसको ऐसे छोटा छोटा सा काट लेना है। उसके बाद टमाटर लिया, उसको भी छोटा छोटा सा काट लिया। प्याज लिया, उसको भी छोटा छोटा सा काट लिया। और ओलिव लिए, उसको भी ऐसे ही छोटा छोटा सा काट लिया। तो इन सारी सब्जियों को अब यूज़ करते हैं आगे। तो सबसे अब यहाँ पे मैंने ले लिया कप की ट्रे, और उसको मैंने ना ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ठीक है, ताकि हमारे मैगी कप्स निकल आए, उम्मीद है कि निकल आएंगे। और ये मैंने एक पहले वाले में ना बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दिया, तो फिर उसी में से ले लेके ना मैं सारों को ग्रीस किया। तो अब मैगी यूज़ करनी है जो हमने बना के रखी थी, और कोशिश करें कि ठंडी ना हो ज़्यादा, मेरी ठंडी हो के ना वो ऐसे बन गई थी, वो मतलब पूरी जम गई थी। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि अब इनको फिल करना है, और कोशिश ये करनी है कि मतलब पूरा फिल नहीं करना, और ना इसको साइड साइड पे किनारों तक तो ऐसे कप की शेप बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि सेंटर में हम सारी फिलिंग्स डाल सकें। और मैंने ये 2 पैकेट लिए थे ना मैगी के, तो इसमें मेरे 9 मैगी कप्स बने थे, ठीक। उसके बाद मैंने इस पे लगानी है पिज़्ज़ा सॉस। तो इसकी रेसिपी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आई बटन में भी लिंक दे दूँगी अगर आपने घर पे बनानी है, ठीक है। और फिर ना मैं ब्रश से लगाने लग गई थी, मुझे चम्मच से अच्छे से लग नहीं रही थी। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस लग गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है वही वाली, और जो काट के रखी हुई थी, और वो डाल देनी, जितने आपको पसंद है उतनी उतनी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, और वो सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो उसके बाद मैंने टमाटर भी डाल दिए, और प्याज भी डाल दिए, और ऑलिव्स भी डाल रही हूँ। तो ना आप कोई से भी सब्ज़ियाँ, स्वीट कॉर्न या फिर कोई भी कोई और अमीरों वाली सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, मेरे पास यही थी तो मैंने यही डाल ली। उसके बाद इस पर पिज़्ज़ा चीज़ डाल दी थी मैंने, चीज़ भी जितनी आपको पसंद है उतनी डाल लें, जो पसंद है वो वाली डाल लें। और उसके बाद मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिए थे थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरिगेनो। और अब ये बिल्कुल ना पिज़्ज़ा वाली फील दे रहे हैं, तो अब इनको बेक कर लेना है। तो आप चाहें तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, चाहें तो चूल्हे पे भी किसी पैन वगैरह में इसकी चीज़ को मेल्ट कर सकते हैं, और चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ओवन में किया था ताकि अच्छा सा कलर आ जाए ऊपर से, ठीक है, और क्रिस्पी हो जाए। तो बस इतना सा बेक करना है जब तक अच्छा सा कलर आ जाएगा, और ये साइडों से और नीचे से और ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ना अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप आता है। मुझे ना ये सबसे ज़्यादा डर था कि अगर ये इसमें से ना निकले मैं क्या करूँगी, लेकिन ये इतना आसानी से निकल गए थे ना। बस करना ऐसे है कि ना साइडों से ना इसको ऐसे छुरी से अलग कर लेना है, और उसके बाद कोई भी चम्मच या फोक लेके ना तो इसको पूरा का पूरा ऐसे निकाल लेना है, और बहुत इजीली निकल गए थे, बल्कि निकालने में इतना मज़ा आ रहा था ना मुझे। अच्छा, तो ये देखें हमारे पिज़्ज़ा मैगी कप्स तैयार हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैगी पिज़्ज़ा कप्स हैं या पिज़्ज़ा मैगी कप्स हैं। तो ये रेसिपी ना मैंने काफ़ी जगह पे देखी है, मुझे ना अच्छी लगती थी, तो मैंने सोचा था मैं भी ट्राई करूँगी, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये इतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये सच में इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना, और खुशबू बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे पिज़्ज़ा बन रहा है, और खाने में भी बहुत अच्छे थे। तो अगर मैगी पसंद है, ज़रा सी भी पसंद है, पिज़्ज़ा भी पसंद है, तो देर नहीं करो, इसे ट्राई करो। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।